Bismillahirrahmanirrahim, dear students of Wisdom House Schools, Assalamu alaikum. This lecture is for class prep day number 17, Tuesday 28th April. तो आज के लिए हमारा मैथ्स का काम होगा, क्लास वर्क हमारा होगा नंबर नेम पेज नंबर 20. पेज नंबर 20 हम बुक पे करेंगे जिसपे नंबर नेम्स हैं, ठीक है. और इसके साथ हमारा होमवर्क होगा नंबर नेम्स 1 to 5 ऑन नोटबुक, ठीक है. हम बार बार रिवाइज इसलिए करवा रहे हैं बच्चों को अच्छी तरह लर्न हो जाए. राइटिंग प्रॉब्लम होती है बच्चों को, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उसकी बच्चे को अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है. तो ये हमारा पेज नंबर 20 है और इस पे है नंबर नेम 7, 8, 9, तीन नंबर्स हैं, ठीक है. ये टीचर क्लास में करवाए जाएंगे और आपने जॉइनिंग में लिखवाना है. जैसे फॉर्मेशन ये होनी चाहिए 7, 8 और 9. इसके साथ जो होमवर्क है वो नंबर नेम्स लिखवाने हैं नोटबुक पे 1 to 5 इस तरह से, ठीक है. नेक्स्ट हमारा उर्दू का है. उर्दू की हम डायरी देख लेते हैं. डायरी है जी इंग्लिश की, ठीक है. अब हम इंग्लिश का देखते हैं. इंग्लिश का हमारा क्लास वर्क होगा, रीडिंग होगी पेज नंबर 6 की. कर्सिव राइटिंग का बुक का पेज होगा पेज नंबर 24. और इसके साथ ऐसे हमने शुरू किया है. लाइन नंबर 1, 2 हम माई पेट ऐसे की कर चुके हैं. माई पेट मीन मेरा पालतू जानवर, ठीक है. और लाइन नंबर 3 और 4, ठीक है, आपने बच्चे को करवानी है. इसके साथ इसका होमवर्क होगा, रीडिंग होगी पेज नंबर 6 की. और माई पेट जो क्लास वर्क में हमने 2 लाइंस लिखवाई हैं वही होमवर्क में होंगी, ठीक है. तो हम माई पेट देख लेते हैं. फर्स्ट 2 लाइंस हम कर चुके हैं. आई हैव अ पेट रैबिट, आई हैव अ पेट रैबिट, हर नेम इज़ बनी. ये हमारा कल का था काम. आज का हमारा है लाइन नंबर 3, शी इज़ वेरी क्यूट, शी लव्स टू ईट कैरट्स. शी इज़ वेरी क्यूट, शी लव्स टू ईट कैरट्स. वो बहुत क्यूट है, वो बहुत प्यारी है और वो गाजर खाना पसंद करते हैं, ठीक है. इसके साथ आप रैबिट की पिक भी पेस्ट करवा लें बच्चे को. जब ऐसे कंप्लीट हो जाएगा तो रैबिट की पिक भी हम पेस्ट करवाएंगे. इसके साथ रीडिंग हमारी होगी पेज नंबर 6 की. पेज नंबर 5 की हमने कल रीडिंग की थी, आज पेज नंबर 6 की रीडिंग होगी, ठीक है. यहाँ भी है रीड एंड मैच द वर्ड्स टू द करेक्ट पिक्चर, ठीक है. वर्ड्स को रीड करवाना है और उन्हें करेक्ट पिक्चर से मैच करवाना है. रैबिट है, इंक है, विंडो, रिंग, फिश, पिलो. न्यू वर्ड्स हैं डिगिंग, डिगिंग मीन खोदना, लिड, ढक्कन, सिटिंग, बैठना, स्टिक, छड़ी, ठीक है. इसके साथ इस पेज की रीडिंग करवानी है. होमवर्क हमारा है जी माई पेट ऐसे लाइन नंबर 3 और 4. जो क्लास वर्क में लिखी है वही होमवर्क है और वही रीडिंग करवानी है. इसके साथ उर्दू का है सफ़ा नंबर 18, बे दो चश्मी है ता नून दो चश्मी है. जैसा कि हमने कल बुक पे लिखा था, आज हम उसे कॉपी पर लिखवाएंगे. और इसके साथ हम जमात का काम जो है वही आपने होमवर्क में कॉपी पर लिखवाना है, ठीक है. तो दो चश्मी हरूफ जो हैं, बे दो चश्मी है ता नून दो चश्मी है, ठीक है, ये हम लिखवाएंगे कॉपी पे. यो बे दो चश्मी है, पे दो चश्मी है, ते दो चश्मी है, टे, जीम दो चश्मी है, चे दो चश्मी है, छे, दाल दो चश्मी है, दे, डाल दो चश्मी है, डे, रे दो चश्मी है, रेड़े दो चश्मी है, रे, काफ तो चश्मी है, खे, काफ तो चश्मी है, घ, लाम दो चश्मी है, ले, मीम दो चश्मी है, मे, नून दो चश्मी है, ने, ठीक है. इसी तरह जो क्लास वर्क करवाया है इसी तरह डे और डेट लगाएं, टिक करें क्लास वर्क या होमवर्क पे और यूँ नीचे लिखवाएं. और इसी तरह बिल्कुल ऊपर होमवर्क पे टिक करवा के डे और डेट लगा कर बिल्कुल इसी तरह होमवर्क में भी लिखवाना है. जो जमात का काम है वही होमवर्क है. इसके साथ इस्लामियात का हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. आज हमारा सफ़ा नंबर 8 पे सवाल नंबर 2 होगा. सफ़ा नंबर 8 पे सवाल नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब और कहाँ पैदा हुए
और इसका है कि 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा आज के लिए इस्लामियत का सफ़ा नंबर 8 पर। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रोज़ाना की बात जो आपको बताई जाती है कि डे और डेट बुक पे या नोटबुक पे जहाँ भी काम करें डे और डेट लाजमी लगानी है, काम रेगुलरली करना है और नीटली करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।